Hello and welcome back to Skills Explorer. My name is Rahul and I'm coming back with a new video that is Suppletory. So guys, in this series I'm going to cover your next topic, Suppletory, and in previous video we have covered red black tree. So what is the difference? Why we are going to discuss Suppletory? Let's start. तो गाइस, हमने एवियल ट्री स्टडी किया, उससे पहले हमने बाइनरी सर्च को डिस्कस किया था, तो उसकी लिमिटेशन को कवर अप किया एवियल ने। तो एवियल ट्री में कुछ लिमिटेशन थी तो उसको हमने कवर अप किया था रेड ब्लैक ट्री में, एंड रेड ब्लैक ट्री में कुछ लिमिटेशन है उसको हम कवर करने जा रहे हैं स्प्ले ट्री में। नाउ व्हाट इज स्प्ले ट्री एंड व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म, डैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट स्प्ले ट्री। तो वह स्प्ले ट्री क्या है? स्प्ले ट्री इज ए सेल्फ एडजस्टेड बाइनरी सर्च ट्री इन विच एवरी ऑपरेशन ऑन एलिमेंट रीअरेंज ट्री सो दैट एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द रूट पोजीशन ऑफ द ट्री। तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे आप इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, अपडेशन कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, आपका एक ही पर्पस रहेगा, उस एलिमेंट को आपने रूट पोजीशन पर प्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ रोटेशंस। एंड स्प्ले ट्री की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम अपकमिंग स्लाइड में उसे डिस्कस करेंगे। सो इन ए स्प्ले ट्री एवरी ऑपरेशन इज परफॉर्म एट द रूट ऑफ द ट्री। आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे, इसका एक ही फंडा है, डेट इज रूट, लेटेस्ट एलिमेंट को रूट के ऊपर लेके आना, राइट? सो ऑल द ऑपरेशन इन ए स्प्ले ट्री आर इन्वॉल्व विद ए कॉमन ऑपरेशन कोड स्प्लेइंग। अगर आपको टर्म यहाँ पर आ रही है स्प्लेइंग, स्प्लेइंग का मीनिंग क्या है? आपने एलिमेंट को रूट के ऊपर लेके आना है, राइट? अब वो रूट के ऊपर कैसे प्लेस करना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। करनी हमें रोटेशन ही पड़ेगी, राइट? लेकिन इसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट है स्प्ले ट्री में। जैसी रोटेशन हमने एवियल ट्री में डिस्कस की थी वैसी रोटेशन यहाँ पर भी होगी, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंट है। सो स्प्लेइंग एन एलिमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टू द रूट पोजिशन बाई परफॉर्मिंग सुटेबल रोटेशन ऑपरेशन। एंड इन ए स्प्ले ट्री सप्लेइंग एन एलिमेंट रीअरेंज ऑल द एलिमेंट इन ए ट्री सो दैट सप्लेड एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द रूट ऑफ द ट्री। वही बात है जो हमने डिस्कस किया है कि आपने स्प्ले करना है, स्प्ले का भी नहीं है, आपने एलिमेंट को रूट पोजिशन पर रीअरेंज करना है। एंड बाय सप्लेइंग एलिमेंट वी ब्रिंग मोर फ्रिक्वेंटली यूज एलिमेंट। आपने उन एलिमेंट को रूट पे लेके आना है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं एंड क्लोजर टू द रूट ऑफ द ट्री सो दैट एनी ऑपरेशन ऑन दोज एलिमेंट इज परफॉर्म्ड क्विकली। अगर आप उसे रूट पर ले आते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर उसी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट हुई तो आपको सबसे फास्ट एक्सेस होगा, सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस क्या होगी, फास्ट होगी, राइट? सो दैट मीन्स द सप्लाइंग ऑपरेशन ऑटोमेटिकली ब्रिंग मोर फ्रिक्वेंट यूज एलिमेंट क्लोजर टू द रूट ट्री। तो जिस एलिमेंट को आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं आप उसको रूट की तरफ लेके आते हैं, डैट इज द पर्पज ऑफ स्प्ले ट्री। तो गाइस, इस स्लाइड को हमने प्रीवियस रेड ब्लैक ट्री में भी डिस्कस किया था। ये बेसिकली आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? तो ऑर्डर ऑफ वन का मीनिंग क्या है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आइटम सर्च हो गई, फिर है लोग एन, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हो जाती है, डैट इज ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एन लोग एन, देन एन स्केयर, देन टू एन, राइट? तो स्प्ले ट्री में आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट रहेगी, डैट इज ऑर्डर ऑफ लोग एन। सेकेंड वन, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, स्प्ले ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ रोटेशंस अंडरस्टैंड करनी होगी, जो कि प्रॉपर्टीज हैं स्प्ले ट्री की, अलग टाइप की ही रोटेशंस है। हम करते थे एवियल ट्री में रोटेशंस, लेकिन स्प्ले ट्री की डिफरेंट टाइप की है। फर्स्ट इज देर आर टोटल 6 टाइप ऑफ रोटेशन। नंबर वन, जिग रोटेशन, जैक रोटेशन, जिग रोटेशन, जैक जैक रोटेशन, जिग जैक रोटेशन, जैक जिग रोटेशन। अब ये जिग जैक है क्या? जिग जैग बेसिकली, जिग स्टैंड फॉर राइट, जैग स्टैंड फॉर लेफ्ट, ये याद रखना है आपने। अगर तो जिग रोटेशन आई तो आपने क्या करना है, राइट साइड मूव करना है। अगर जैग रोटेशन आई देन आपने लेफ्ट साइड मूव करना है। अगर जिग जिग आई इट मीन्स आपने 2 टाइम्स राइट रोटेशन करनी है, और अगर आपने जैग जैग रोटेशन आई तो आपने 2 टाइम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करनी है।
लेकिन किस पे करनी है, आपने पीरियड के ऊपर करनी है या ग्रैंड पीरियड के ऊपर करनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन है जिग जैग, के पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर जैग जिग, पहले लेफ्ट देन राइट, राइट। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि जिग जिग और जैग जैग में हम पहले ग्रैंड पीरियड पे करते हैं देन पीरियड पे, और जिग जैग में हम पहले पीरियड पे करते हैं देन फिर ग्रैंड पीरियड पे। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज जिग रोटेशन। जिग रोटेशन का मीनिंग क्या है? जिग रोटेशन इन ए सेपरेट इज सिमिलर टू ए सिंगल राइट रोटेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था जिग का मीनिंग आपने क्या अज्यूम करना है, राइट, कि आपने राइट साइड रोटेट करना है। सो दैट्स व्हाई हियर वी मेंशन दी जिग रोटेशन इज सेपरेट इज सिमिलर टू दी सिंगल राइट रोटेशन इन एवियर ट्री रोटेशन। इन जिग रोटेशन एवरी नोड मूव वन पोजिशन टू दी राइट फ्रॉम इट्स करंट पोजिशन। कंसिडर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नोड है 5 3 6 2 4, आपने सप्ले किसे करना है? थ्री को। ये देखिए ये थ्री है, सप्ले का मीनिंग इसको हमने रूट पे लेके आना है। तो आप क्या करोगे, इसके पीरियड को राइट साइड पे मूव करोगे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो थ्री है वो लेफ्ट चाइल्ड है या राइट है, अपने पीरियड का लेफ्ट चाइल्ड है। अगर लेफ्ट है तो आप उसके पीरियड को राइट साइड मूव करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे। अगर पीरियड राइट होता तो उसके पीरियड को हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं, राइट। तो अब पीरियड लेफ्ट है तो उसका पीरियड क्या है? फाइव। तो फाइव को मैं राइट साइड मूव करूंगा। ये देखिए, तो जैसे ही आपने जिग रोटेशन अप्लाई की, उसे राइट साइड मूव किया, तो थ्री पीरियड बन गया और फाइव उसका राइट चाइल्ड बन गया। सो जी ये क्या है, आपकी जिग रोटेशन सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने डिस्कस किया था एवियर ट्री में। नाउ नेक्स्ट रोटेशन इज जैक रोटेशन। जैक रोटेशन इज सेपरेटली सिमिलर टू दी सिंगल लेफ्ट रोटेशन। जैक का मीनिंग क्या क्या है, आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। एंड इन जैक रोटेशन एवरी नोड मूव वन पोजिशन टू दी लेफ्ट फ्रॉम इट्स करंट पोजिशन। कंसिडर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, जिग रोटेशन में हमने राइट साइड मूव किया था, यहाँ पर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। अब आपने स्प्ले किसको करना है, आपने स्प्ले करना है फाइव को। फाइव क्या है? थ्री का राइट चाइल्ड। अगर ये राइट चाइल्ड है तो आप उसके पेरेंट को, फाइव के पेरेंट को किस साइड मूव करेंगे? उसके ऑपोजिट साइड, डेट इज लेफ्ट साइड। तो मैं फाइव के पेरेंट थ्री को जैक साइड रोटेट करूंगा, इट मीन लेफ्ट साइड रोटेट करूंगा। तो फाइव आपका पेरेंट बन गया और थ्री उसका लेफ्ट पेरेंट, लेफ्ट चाइल्ड बन गया। ये देखिए, राइट। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? जैक रोटेशन की। आई रिपीट वंस अगेन, जिग मीन्स राइट साइड मूव करना है, जैक मीन्स लेफ्ट साइड मूव करना है। जिग जिग रोटेशन गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए टेक्निकली तो इसका नाम होता है जिग जिग रोटेशन, लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके साथ लिख दिया राइट राइट रोटेशन। इट मीन्स आपने टू टाइम्स राइट रोटेशन करनी है। सो द जिग जिग रोटेशन इन सेपरेटर इज ए डबल जिग रोटेशन। डबल जिग मीन्स डबल राइट। इफ वी रिक्वायर टू सर्च एनी एलिमेंट देन दैट एलिमेंट मस्ट हैव ए ग्रैंड पीरियड एंड पीरियड। आप जिग जिग रोटेशन तब कर सकते हो अगर उस पीरियड का पीरियड, अगर उस एलिमेंट का पीरियड भी हो और ग्रैंड पीरियड भी हो। वाई? बिकॉज जिग जिग रोटेशन में आप सबसे पहले रोटेशन ग्रैंड पीरियड पे करते हैं देन पीरियड पे करते हैं। अगर उसका पीरियड एंड ग्रैंड पीरियड प्रेजेंट है ओनली देन यू कैन इम्प्लीमेंट जिग जिग रोटेशन। सो इन जिग जिग रोटेशन एवरी नोड मूव्स टू पोजिशन टू दी राइट फ्रॉम इट्स करंट पोजिशन। कंसिडर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज गाइस आपके पास ये ट्री है 5 3 6 8 2 4, राइट। अब आपने स्प्ले किसको करना है, आपने स्प्ले करना है टू को। अब टू का पीरियड थ्री है एंड टू का ग्रैंड पीरियड फाइव है, तो आप क्या करोगे? सो एलिमेंट टू है बोथ पीरियड एंड ग्रैंड पीरियड, सो वी विल डू फर्स्ट राइट रोटेशन फ्रॉम ग्रैंड पीरियड। ये याद रखना, जब दोनों सेम टाइप की रोटेशन हो, सेम टाइप की मीन्स दोनों जिग जिग हो या दोनों जैग जैग हो, देन हम फर्स्ट रोटेशन ग्रैंड पीरियड पे करते हैं, उसके बाद पीरियड पे करते हैं। तो इन दिस केस टू का ग्रैंड पीरियड क्या है? फाइव। तो आप फाइव को राइट साइड क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो जैसे ही आप राइट साइड रोटेट करोगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, फाइव क्या बन जाएगा? आपका राइट चाइल्ड बन जाएगा, थ्री का थ्री पीरियड बन जाएगा, राइट। तो फर्स्ट राइट रोटेशन तो इम्प्लीमेंट हो गई।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब आप टू के पेरेंट को राइट साइड मूव करोगे। अब टू का पेरेंट क्या है, थ्री, आप थ्री को राइट साइड मूव करेंगे। ये देखिए, तो नाउ वी विल डू सेकंड रोटेशन ऑन पेरेंट ऑफ टू दैट इज थ्री। तो जैसे ही मैंने रोटेशन राइट की थ्री को, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना। अब हमारा पर्पस क्या था, जिस एलिमेंट को हम सप्ले कर रहे हैं, हमारा पर्पस था उसको रूट बनाना। ये देखिए, रूट पहले टू यहाँ पे था, लेफ्ट साइड था थ्री का, अब लास्ट में वो खुद पेरेंट बन गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रोटेशंस करते हैं और एलिमेंट को सप्ले करते हैं। तो आई होप ये राइट राइट रोटेशन या जिग जिग रोटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट रोटेशन, दैट इज जैक जैक रोटेशन। तो गाइस, जैक जैक रोटेशन की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम है जैसे हमने जिग जिग रोटेशन पे की, ओनली वन डिफरेंट है, हम यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन करेंगे टू टाइम्स। एंड ये भी चेक करेंगे कि जिस एलिमेंट का हम रोटेशन कर रहे हैं, क्या उसके पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट दोनों प्रेजेंट है या नहीं, राइट? सो इन जैक जैक रोटेशन, इन सप्ले ट्री इज ए डबल जिग रोटेशन। यहाँ पर हमने लिखा है जिग, तो बाय मिस्टेक है, मैं इसको जैक कर देता हूँ, राइट? यहाँ पर आएगा जैक रोटेशन। ये देखिए, हमने इसको क्या किया, डबल जैक रोटेशन। इफ वी रिक्वायर टू सर्च एनी एलिमेंट, देन दैट एलिमेंट मस्ट हैव ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट, उसका ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। एंड जैक जैक रोटेशन, एवरी नोड मूव टू पोजिशन टू द लेफ्ट फ्रॉम इट्स करंट पोजिशन। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये देखिए, ये आपके पास ट्री है, थ्री टू फाइव एंड फोर सिक्स। अब हम देखते हैं कि हमने सप्ले किस एलिमेंट को करना है। सपोज आपने सप्ले करना है सिक्स को, तो आप यहाँ पे कौन सी रोटेशन अप्लाई कर रहे हो, जैक जैक। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया था, जब आप रोटेशन सेम टाइप की कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जिग जिग और जैक जैक, देन आप ये चेक करते हो कि उस एलिमेंट का ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर दोनों प्रेजेंट हैं, देन हम फर्स्ट रोटेशन किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, ग्रैंड पेरेंट के ऊपर। सेकेंड रोटेशन किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, पेरेंट के ऊपर। ये देखिए, सो एलिमेंट सिक्स हैव बोथ पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट, वी विल डू फर्स्ट लेफ्ट रोटेशन फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट। अब सिक्स का ग्रैंड पेरेंट क्या है, डेट इज थ्री, तो हम सिक्स थ्री को लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे या रोटेट कर देंगे। तो जैसे ही हमने रोटेट किया, तो आपका फाइव बन गया पेरेंट एंड थ्री बन गया उसका लेफ्ट चाइल्ड। तो गाइस, ये हमने फर्स्ट लेफ्ट रोटेशन इंप्लीमेंट कर दी। अब नेक्स्ट सिक्स का पेरेंट क्या है, डेट इज फाइव, अब फाइव को भी लेफ्ट साइड रोटेट कर देंगे। ये देखिए, जैसे मैंने फाइव को लेफ्ट साइड रोटेट किया, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना। और हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि सिक्स को सप्ले करना है। सप्ले करने का मीनिंग क्या होता है, उसको रूट पोजीशन पर लेके आना है। तो अब सिक्स क्या बन गया, रूट बन गया। तो गाइस, टिल नाउ हमने फोर रोटेशन को डिस्कस किया है, जिग रोटेशन, जैक रोटेशन, जिग जिग रोटेशन एंड जैक जैक रोटेशन। नाउ आई एम गोइंग टू कवर नेक्स्ट रोटेशन, डैट इज जिग जैक। अब देखिए, कॉम्बिनेशन आ गया जैक जैक, ये मैंने अभी कॉम्बिनेशन अपकमिंग स्लाइड में आएगा, सॉरी। लेकिन मैंने एक दो एग्जांपल और यहाँ पर डिस्कस की है कि जैक जैक क्या है, कि मान लो सप्ले आपने सिक्स को करना है, तो सिक्स कैसे आया, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। अब गाइस, हमारे पास आ गया जिग जैक, जिसकी मैं आपके बात कर रहा कि अब कॉम्बिनेशन है, वन राइट वन लेफ्ट, राइट मीन्स जिग, लेफ्ट मीन्स जैक। इन जिग जैक रोटेशन, इन सप्ले ट्री इज ए सीक्वेंस ऑफ जिग रोटेशन फॉलोड बाय जैक रोटेशन। मतलब पहले आपने जिग का रोटेशन करनी है, फिर जैक रोटेशन करनी है। इन जिग जैक रोटेशन, एवरी नोड मूव वन पोजिशन टू द राइट फॉलोड बाय वन पोजिशन टू द लेफ्ट फ्रॉम इट्स करंट पोजिशन। मतलब यहाँ पर भी आपको टू टाइम्स रोटेशन करनी है, बट पहले आप राइट रोटेशन करोगे, फिर आप लेफ्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सप्ले करना है फोर को, तो फोर क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है अपने पेरेंट का, ठीक है? तो जब आपने रोटेशन जिग जैग करनी हो या जैग जिग करनी हो, सेम स्टेप आप परफॉर्म करोगे, क्या उस एलिमेंट का पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो फोर का पेरेंट भी प्रेजेंट है, ग्रैंड पेरेंट भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर मिक्स रोटेशन है ना जिग जैग, यहाँ पर हम रोटेशन पहले पेरेंट पे करेंगे, फिर ग्रैंड पेरेंट पे करेंगे। जो कि जिग जिग या जैक जैक में हम पहले ग्रैंड पेरेंट पे करते थे, फिर पेरेंट पे करते थे। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब सप्ले करना है फोर, फोर क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है, तो फोर का पेरेंट जो भी होगा, अगर ये फोर लेफ्ट चाइल्ड है, तो
तो मैं पीरियड को ओपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। अगर 4 लेफ्ट है तो लेफ्ट का ओपोजिट क्या होता है, राइट, तो मैं उसके पीरियड को राइट साइड मूव करूंगा, राइट। ये याद रखना, जो भी चाइल्ड हो अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो पीरियड को राइट साइड मूव करेंगे, अगर चाइल्ड राइट साइड पे है तो पीरियड को लेफ्ट साइड मूव करेंगे। अब जब 4 है वो लेफ्ट 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 चाइल्ड है तो उसके पीरियड को मैं राइट साइड मूव करूंगा। जैसे ही मैंने 5 को राइट साइड मूव किया, ये देखिए, तो 4 पीरियड बन गया, 5 4 का राइट चाइल्ड बन गया, राइट। अब हम ग्रैंड पीरियड को चेक कर रहे हैं। अब ग्रैंड पीरियड क्या है, ग्रैंड पीरियड है 3। ये देखिए 4 का ग्रैंड पीरियड क्या था, 3। अब हम क्या करेंगे, जो 4 है, 4 यहां पर आ गया ना, अब इसका जो ग्रैंड पीरियड था पहले वो क्या था, 3। अब 4 क्या है, राइट चाइल्ड है। अगर ये राइट चाइल्ड है तो मैं इसके पीरियड, इसके ग्रैंड पीरियड को किस साइड मूव करेंगे, ओपोजिट डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट साइड। तो मैं इसके ग्रैंड पीरियड को लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा। जैसे मैंने मूव किया तो ये लेफ्ट साइड बन गया 4 का, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिग जैग रोटेशन में सिर्फ एक ही याद रखनी है कि पहले आपने पीरियड को प्रोसीड करना है देन ग्रैंड पीरियड में, और जिग जिग और जैग जैग में हम पहले ग्रैंड पीरियड को करते थे देन पीरियड को करते थे। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश डिड जैग जिग रोटेशन। मतलब अभी भी हमने डबल रोटेशन करनी है, पहले हम जैग करेंगे, जैग मीन्स लेफ्ट करेंगे, फिर करेंगे जिग। तो दी जैग जिग रोटेशन इन सेपरेटरी इज ए सीक्वेंस ऑफ जैग रोटेशन फॉलोड बाय जिग रोटेशन। इन जैग जिग रोटेशन एवरी नोड मूव वन पोजिशन टू द लेफ्ट फॉलोड बाय वन पोजिशन टू द राइट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। अब गाइस इन डेफिनेशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इन दिस ट्री आप सप्ले किसको कर रहे हो, 4 को कर रहे हो। अब 4 क्या है, राइट चाइल्ड है। हमें पता है जैग जिग या जिग जैग में हम पहले पीरियड को रोटेट करते हैं फिर ग्रैंड पीरियड को। अब 4 है, 4 अपने पीरियड का राइट चाइल्ड है, तो राइट का ऑपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। इट मीन्स हम इसके पीरियड को लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे। तो 3 को जब मैं लेफ्ट साइड रोटेट करूंगा तो 4 पीरियड बन जाएगा और 3 उसका लेफ्ट साइड बन जाएगा। अब 4 का यहाँ पे ग्रैंड पीरियड क्या था, 5, जो कि अब पीरियड बन चुका है यहाँ पे। तो 4 के ग्रैंड पीरियड 5 को मैं रोटेट करूंगा। अब 4 लेफ्ट चाइल्ड है अपने पीरियड का, अगर ये लेफ्ट चाइल्ड अपने पीरियड का है तो इसके पीरियड को ऑपोजिट डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे, डेट इज राइट। इट मीन्स मैं 5 को राइट साइड रोटेट करूंगा। तो रोटेट करने के बाद स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना। अब स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका, ये बन गया। तो इस स्ट्रक्चर में आपका क्या हो गया, सेपरेटरी हो गया। तो सेम एग्जांपल हमने इंप्लीमेंट की जैग जिग रोटेशन में। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ऐसी ही रोटेशन हमने आके इंप्लीमेंट करनी है, अगर आपने इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है या अपडेशन करनी है। तो गाइस इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर इंसर्शन इन सेपरेटरी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग गया होगा। काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।